समझते हैं ड्राइंग क्या होता है। तो ड्राइंग एक इंजीनियर्स का लैंग्वेज है, जैसे कि आपको पहले भी बताएं, तो उसी को यहाँ पर एक लैंग्वेज के फॉर्म में लिखे हैं। ठीक, तो यह ड्राइंग ड्राइंग इज इंजीनियर्स लैंग्वेज। उसके बाद हम बात कर लेंगे आपका इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो इंस्ट्रूमेंट आपका जो है इन ड्राइंग बनाने के लिए जो भी चीज़ यूज कीजिएगा वो आपका इंस्ट्रूमेंट कहलाया जाएगा। ठीक, जैसे हम पेंसिल यूज किए तो ये पेंसिल जो है आपका वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। जैसे आप स्केल यूज कीजिएगा वो स्केल आपका जो है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। मतलब जितने भी टाइप को वहाँ पर यूज कीजिएगा ड्राइंग बनाने के लिए तो आपका हो जाएगा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट तो आप लोग खरीद लीजिएगा, उसका उसका सही सही यूज भी करना आप लोग को जानना पड़ेगा ना, तभी आप लोग कोई भी ड्राइंग को इजीली वे में बना सकते हैं। तो वही आपको यहाँ पर समझाएंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या वर्क करता है वो आपको बताएं। चलिए सबसे यहाँ पर आपको बताते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर 13 टाइप का आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो एक बार पढ़ देते हैं इसको। पहला जो है ड्राइंग बोर्ड है, उसके बाद ड्राइंग शीट है, उसके बाद आपका पेंसिल है, स्केल है, कंपास है, डिवाइडर है, प्रोट्रैक्टर है, सेट स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, फ्रेंच कर्व, मिनी ड्राफ्टर, रोलर स्केल, ड्राइंग पिन है। तो एक बार इसका ओवरव्यू एक बार दे देते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में समझाते हैं। तो देखिए ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, जिस पर आप शीट रख कर आपको आप लोग ड्राइंग बनाते हैं वो आपका ड्राइंग बोर्ड हो जाता है। ड्राइंग शीट क्या होता है, जिस पर आप लोग ड्राइंग करते हैं वो आपका ड्राइंग शीट हो जाएगा। यह डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंसिल। तो पेंसिल भी आपका जो भी आप ड्राइंग जिससे बनाइएगा आप लोग जिससे स्केच कीजिएगा तो आपका पेंसिल कहलाता है। तो ये भी पेंसिल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। मेनली इसमें 2 टाइप का हम लोग पढ़ते हैं, सॉफ्ट पेंसिल उसके बाद हार्ड पेंसिल। तो सॉफ्ट पेंसिल में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, हार्ड पेंसिल में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्केल। तो स्केल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, तो प्लेन स्केल होता है, डायगोनल स्केल होता है और वर्नियर स्केल होता है। तो जो हम लोग जो अभी 9 से 10 तक में हम लोग पढ़े थे, आप लोग जो भी आप स्केच करते थे, जो भी हम लोग लाइन ड्रॉ करते थे वो आपका प्लेन स्केल रहता था, उसमें 2 यूनिट को मेजर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग 3 टाइप का जनरली यहाँ पर पढ़ेंगे आप लोग अभी ड्राइंग में। जब सर जिसका सिविल ब्रांच है सर्वेइंग करेगा वो, तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्केल पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपास। तो कंपास क्या, कंपास बॉक्स नहीं होता है यहाँ पर। कंपास क्या होता है भाई, कंपास आपका देख लीजिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए कंपास का यूज क्या होता है, कंपास का यूज होता है एक सर्कल ड्रॉ करने में। ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये आपका कंपास है। जैसे देखिए एक हम कंपास बॉक्स खरीदे हैं, ठीक, इसमें आप सारा इंस्ट्रूमेंट रखल है। देखिए ये जो है हम लोग फर्स्ट ईयर में खरीदे थे बीटेक में, तो ये हम लोग का देखिए आपका कितना अच्छा से रखा है। तो आप लोग भी अगर इसको खरीदना चाहते हैं तो खरीदिएगा, नहीं तो आप लोग जनरल जो भी आपका होता है वो आप लोग खरीद लीजिएगा, तो उसका आपका यूज उसको यूज कर लीजिएगा। ठीक, इतना महंगा खरीदना ज़रूरी नहीं है। ठीक, ये आपका दिया था 450 रुपये में दिया था, पर इतना महंगा आपको खरीदना ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो आपका आप लोग समझ गए कंपास क्या होता है। तो आपको पूरा डिटेल्स में इसको बताएंगे, इसका ये इसका इंस्ट्रूमेंट भी आपको दिखाएंगे कि ये कौन क्या इस होता है, इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखने में लगता है, तो वो भी आपको बताएंगे। ठीक, तो कंपास आप लोग समझ गए, कंपास का काम क्या है कि सर्कल को ड्रॉ करने का और आर्क खींचने का ये काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है, तो डिवाइडर जो है एक डिवाइडर जो है वो लेंथ को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरे जगह, आप लोग लेंथ को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक, तो ये देखिए आपका ये डिवाइडर है। ठीक, ये देखिए आप लोग दिखाई दे रहा है डिवाइडर, ये भी 2 टाइप का होता है, एक स्मॉल एक होता है लार्ज। ठीक, ये तो आपका लार्ज है, एक स्मॉल होता है, तो वो आपको बताएंगे ये जब इसका डिटेल्स में पढ़ाएंगे। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर जो है आप लोग चांद जिसका जानते हैं ना, जिसमें एंगल मेजर करते हैं, तो आपका प्रोटेक्टर हो जाता है। सेट स्क्वायर क्या होता है, त्रिभुज टाइप का आपका आप लोग देखे होंगे, जो उसमें 2 टाइप का होता है, एक 30 डिग्री 60 डिग्री और दूसरा जो होता है 45 डिग्री का रहता है। तो आपका सेट स्क्वायर 2 टाइप का आपको देखने को मिलेगा। टी स्क्वायर क्या है, ये टी शेप का रहता है। ठीक, तो इसके ये जो है हम लोग यूज करते हैं वो बाउंड्री लाइन में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व का आप लोग यूज कहाँ कीजिएगा, ये हम लोग कर्व ड्रॉ करने में यूज करते हैं। इस सब का यूज जो है हम लोग पराबोला हाइपरबोला सब बनाइएगा तब वहाँ पर यूज करने के लिए मिलेगा आपको। मिनी ड्राफ्टर का यूज करते हैं हम लोग, पैरेलल लाइन, मतलब ये ड्राइंग ये मिनी ड्राफ्टर से जो आता है आप लोग बहुत इजी में ड्राइंग कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं रोलर स्केल। रोलर स्केल भी एक स्केल ही होता है जो कि हम लोग पैरेलल लाइन उसको खींचने में काम करते हैं। उससे आप लोग एंगल भी मेजर कर सकते हैं, इंक्लाइंड लाइन भी खींच सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है, ठीक। इसका डिटेल्स में हम आपको बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइंग पिन। ड्राइंग पिन का काम क्या होता है, ड्राइंग शीट को जो है वो एडजस्ट करने में काम करता है, ठीक। मतलब वो ड्राइंग शीट को जो है हम लोग एक प्रॉपर वे में उसको एक फिक्स करने में काम करते हैं, ड्राइंग शीट को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, चलिए हम इसका डिटेल्स से आपको जानकारी देते हैं। पहला आपका ड्राइंग बोर्ड है, तो ड्राइंग बोर्ड अब हम लोग जो है वो कैसा रहना चाहिए वो भी आपको जानना चाहिए। वो ड्राइंग बोर्ड क्या, कौन सा लकड़ी का बना हुआ होता है वो भी आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, पहला आपका पॉइंट यहाँ जो बताएंगे आपको, ये जो आपका ड्राइंग बोर्ड ये रेक्टेंगल शेप का होता है, दूसरा जो है ये सॉफ्ट वुड का बना हुआ रहता है, तीसरा क्या ये जो ड्राइंग बोर्ड जो है ये 30 डिग्री एंगल पर झुका रहता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, B1, B0, B2, B3, ये इतना टाइप का आपका आपको देखने के लिए मिलेगा ये साइज, ठीक। तो हम चलिए हम बताते हैं, पहला आपको पॉइंट में लिखे हैं इट इज इन रेक्टेंगल शेप, दूसरा पॉइंट है इट इज जनरली केप्ट ऑन स्टैंड 30 डिग्री पे, उसके बाद इट इज मेड सॉफ्ट वुड, ये आपका सॉफ्ट वुड का बना हुआ रहता है, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज का है, B0, B1, B2, B3, तो ये इसका यहाँ पर साइज लिखे हैं, देखिए आप लोग लिख लीजिए इसका साइज, ठीक। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक, ये अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ड्राइंग शीट, ठीक। ड्राइंग शीट आपको बताए थे पहले भी, ड्राइंग शीट पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ड्राइंग को ड्रॉ करने का काम करते हैं। तो ये जो है ड्राइंग शीट एक पेपर होता है, ठीक। तो हम बात कर लेते हैं, पहला इट इज ए पेपर, दूसरा पॉइंट जो लिखे हैं ड्राइंग पर जो है हम लोग कोई भी ड्राइंग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर जो है यहाँ ड्राइंग रिप्रेजेंट ऑन ड्राइंग शीट, तो कोई भी ड्राइंग को रिप्रेजेंट करते हैं ड्राइंग शीट पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, पहला टाइप जो होता है आपका देखिए यहाँ पर A1, A2, A0, A1, A2, A3, A4, A5, तो ये पांच टाइप का आपका होता है, ठीक। तो आप लोग जब ड्राइंग जब फोटो स्टेट कराना जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग बोलते हैं कि आप सर ये थोड़ा सा A4 साइज का पेपर दीजिए, तो वो निकाल के A4 साइज का पेपर देते हैं, तो देखते हैं छोटा आपका A4 साइज रहता है, जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाते जाइएगा तो वो आपका बढ़ते जाएगा, ठीक। तो ड्राइंग शीट में जो हम लोग यूज करते हैं ड्राइंग बनाने में, हम लोग A1 और A0 का यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए दो साइज का है, यहाँ आ गए, ये आपका ये ड्राइंग शीट और ड्राइंग बोर्ड से एक ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा, इससे दे दे या तो इससे दे दे, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव एगो यहाँ से रहेगा, तो आपको इस दोनों को याद कर लीजिएगा, ठीक। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपका दो टाइप का है, यहाँ पर ट्रिम और अनट्रिम, दो साइज का है, ठीक। आप लोग सबसे पहले उतार लीजिए, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप लाइक करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी अपडेट वीडियो रहेंगे वो आप लोग के पास पहुँचते रहेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।